सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है और ये निर्णय हाईकमान करता है आप सबकी भावना के अनुरूप। अभी पिछला इलेक्शन जो था हमारा बड़ा नजदीकी मामला था, परंतु कुछ कमियां हमारे में निश्चित तौर पर रही, कुछ तो भारी भरोसे भी रह गए। हमने जिला बना दिया, जिला चिकित्सालय बना दिया, आरटीओ ऑफिस खोल दिया, हमें बड़े बड़ी सड़कें कर दी, हमने बड़े बड़े पुल बना दिए। देवेंद्र एनीकट 45 करोड़ की लागत से बना के एक बारिश में तीन तीन तालाब भर जाएं ऐसा पौने दो किलोमीटर की टनल बना दी, पहाड़ पूरा काना करके इधर नदी डाल दी। हमने देखा इतना काम कर दिया, हमारे काश्तकारों के लिए जीवनदायी योजना ला दे हम, उनके पीढ़ियों के लिए हमने व्यवस्था कर दी, कॉलेज खोल लिया लड़कियों का, और 25 लाख का इलाज सब फ्री में करने का सरकार ने जो योजना बनाई, उस वजह से हम ये समझ बैठे कि हम तो जीते जीताए हैं और सब कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अभी हमारा तीन चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें हम लगातार हार रहे हैं। दो बार मैं हार गया, एक बार बसंती देवी जी हार गई और अमृतलाल जी निश्चित तौर पे तीन बार एमएलए बन गए। फिर लगातार हम तीन बार से लोकसभा चुनाव भी हार रहे हैं, तो इतने चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे कुछ मायूसी भी आई है और कुछ काम की गति है वो गति में भी रुकावट आई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बातें करते हैं, धर्म की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके और मंदिर मस्जिद की बात करके आपस में टकरा के और हम सबको गुमराह करके और वोट ले लेते हैं और राज में आ जाते हैं। निश्चित तौर पे आप तुलना करने का समय है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के राज बने 8 महीने 9 महीने हुए हैं, इसमें हमारी जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को एक एक करके कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। उसके अलावा भी आज ही ताराचंद जी मीणा साहब हमको बता रहे थे कि 11 जिले अभी कैंसिल हो रहे हैं, उसमें एक साथी बोल रहा था उसमें सलूम्बर भी है। तो जो आपको हाथ में आया है उन योजनाओं को छीन रहे हैं। उनके पार्टी का एमएलए ही खुद कह रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है इस राज्य में, मंत्री सोए हुए हैं, तो आप कल्पना करो कि आपके लिए क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में हम सब मिलके एक साथ एक छतरी के नीचे एक छत के नीचे काम करके और पार्टी को जिताएंगे, विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करें। मुझे कोई चुनाव लड़ने का कोई न किसी डॉक्टर ने कहा है न कोई खुमारी है। मैं आपसे कार्यकर्ताओं को इसके सामने एक बात रखना भी चाह रहा हूँ, मेरे से ज्यादा योग्य कोई व्यक्ति है अगर वो ज्यादा वोट ला सकता है तो आप उनको टिकट दीजिए, उनको चिताइए। अगर आप पार्टी अगर मुझे आदेश देगी तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव आप सबकी भावना के अनुरूप लड़ूंगा, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। दूसरी बात आज यहाँ संकल्प दोहराने की जरूरत है, प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाने की जरूरत है कि हम सब आने वाले समय में उपचुनाव होगा, उस चुनाव में पार्टी जिसे टिकट देगी उसको हम जिताएंगे। इस भावना से आप सब अपने अपने हाथ खड़े करके विश्वास दिलाइए तो निश्चित तौर पे हम आगे ये संकल्प पूरा करेंगे और आपकी भावना के अनुरूप आगे विकास के काम में हम सब करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार आप सब की तरफ से